गुजारिश ये करूंगा कि अभी तक तो मैं बहुत फरमाइशी हो गया था, आपने इतना विनम्रता से कह लें और इतनी सहजता से हमसे बातचीत शुरू की कि मैं थोड़ा ये सुना दीजिए वो सुना दीजिए। अब मैं आखिर में आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो आपको पसंद हो, कोई ऐसी चीज, कोई बचपन की बंदिश जो आप जिक्र कर रहे थे माँ की, कोई एक चीज जो आप हमारे रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को सुनाना चाहते हो वो भी हमें जरूर सुनाइए। जी जी आपने जैसा कहा वैसा ही कोशिश, ठीक है, बिल्कुल। जैसा मैंने इस गुजारिश के पहले कहा था कि इंटरव्यू अब खत्म करने की दिशा में हम हैं, आखिरी सवाल मैं आप जैसे कलाकारों से जब बातचीत करने का सुअवसर मुझे मिलता है तो मैं जरूर पूछता हूं, क्योंकि आप लोग एक गुरु के तौर पर बहुत सारे बच्चों को सिखा भी रहे हैं और एक बहुत बड़ी जनरेशन ऐसी है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो अभी जिन्होंने सीखना शुरू किया है, जिनको कोई 2 महीना कोई 3 महीना ऐसा अलग अलग गुरुओं से अलग अलग घरानों से सीख रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये तो लगभग हर गुरु बताते हैं कि रियाज करना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, एक बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है, यानी डूज तो क्या करना है ये तो तमाम गुरु बताते हैं, क्या नहीं करना है ये बताने के लिए एक बहुत लंबा अनुभव चाहिए होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं आप जैसे कलाकारों से बात करने का मौका मिलता है तो उनसे ये जरूर पूछता हूं कि आप अगर अपने शिष्य को बताते हैं कि ये 3 चीजें नहीं करनी है जीवन में अगर कलाकार बनना है तो वो कौन सी चीजें होती हैं वो जरूर बताइए हमें। शिवेंद्र जी, मैं तो आपके इन सवालों को सुनकर मैं इतना खुश हो गया हूं कि हर एक सवाल का वजन इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये सवाल तो कमाल का है।
मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा कुछ अजीब सोच विचार वाला व्यक्ति शायद हूं इस बारे में। मैं कोई भी चीज कहने के लिए नहीं करता हूं, कोई भी चीज। हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मुझसे हो पा रहा है वही कहूंगा कि ये करो आप, नहीं हो पा रहा है तो मैं कह देता हूं कि देखो ये होना शायद चाहिए लेकिन मुझसे होता नहीं है, ऐसी वाली बात। सबसे पहले लगता है कि इंसान को प्यार करना और इंसान का प्यार समझना, उसकी इज्जत करना, ये कलाकार का फाउंडेशन है, कलाकारी का फाउंडेशन है। सुर तभी लगे जो सुर इंसानों को यहां पहुंचे। बहुत लोग आते हैं ना हमारे पास कि मुझे तो शास्त्रीय संगीत की कोई पता नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त नहीं है, तो हम श्रोता बन सकते हैं या सीख सकते हैं। हमने कहा भैया, कहीं से तो शुरुआत सभी का होता है। एक बात बताइए, सुर आपको यहां हीट करता है कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है, बस आप बिल्कुल काबिल है इसके। अब ऐसे इंसानों को मैं धीरे धीरे, हमारे पास जो छोटे बच्चे आते हैं, बड़ों को तो काफी कुछ समझ है ही है, छोटे बच्चों को हम समझाते हैं कि बाबा केवल रियाज नहीं करो, केवल संगीत मत सीखो, साथ साथ अच्छा इंसान बनो, वैल्यूज समझो, बड़ों को कैसे इज्जत देने हैं वो समझो, क्योंकि ये सारे चीजों के बदौलत ही हम अच्छा कलाकार बन सकते हैं। सो मैं ऐसे दो तीन शायद स्पेसिफिकली ना कह पाऊं, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा जरूरी काम है हर कलाकार का। ये मैं कहता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन हमारा भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है। हम अगर सेहत का बिल्कुल ख्याल ना रखें, कितने कलाकार हैं, कितनी दुखद बात है, 40, 42, 45, 50 में शरीर छोड़ दिया है। हाँ, पता चला कि थोड़ा सा कुछ कहीं पे नेगलेक्ट कर लिया था उन्होंने अपने शरीर का, तो इतने साल की साधना, इतने लोगों की इतनी उम्मीदें, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं इसीलिए सबसे कहता हूं कि कोशिश पूरी करें कि खुशी खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और सेहत को संभालिए, प्यार दीजिए, प्यार लेना भी सीखिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनको ऐसे इज्जत दीजिए कि उनको लगे कि वाह वाह वाह, यही तो सही जगह है। बस संगीत अपने आप ऐसा 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 खिलता रहता है। दो छोटी छोटी बातें यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा इंटरव्यू खत्म करने से पहले, और ये रागगिरी के सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत खास तौर पर समझने की जरूरत है। जिस सेहत का जिक्र पंडित जी ने भी किया कि सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, शायद बहुत कम लोग को पता होगा कि पंडित जसराज जी कितने फिटनेस को लेके अपने कितना फ्रीक रहते थे। वो जिम जाते थे, आखिरी दिनों तक जिम जाते थे, और किसी ऐसे वैसे ट्रेनर के यहाँ नहीं, जिस ट्रेनर ने जो सचिन तेंदुलकर की ट्रेनिंग कराते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, यानी पंडित जसराज जी की फिटनेस का लेवल आप समझ सकते हैं कि जिस जो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे उनकी फिटनेस, और उस तरह की फिटनेस, यानी गायकी में हम ये मान लें कि नहीं फिटनेस जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता, और वही बात आप पंडित जी ने कही। दूसरी चीज जो पंडित जी ने कहा कि सुर यहाँ छूता है, मुझे एक और बहुत दिलचस्प किस्सा याद आया, और पंडित जी संभवतः ये आपको आपकी जानकारी में नहीं होगा क्योंकि आप थे नहीं वहां पे। अब अभी कुछ साल पहले की बात है, मेरा ख्याल है 3 साल पहले की बात है, कामानी में शुजात खान साहब का सितार वादन था, तो उन्होंने अपना सितार ट्यून किया और उनसे पहले जसराज जी गा के स्टेज से उतर रहे थे, तो अभी वो उतर के जाके बैठे थे पहली पंक्ति में कामानी की, और तब तक शुजात भाई ने अपना ट्यून किया सितार, और जसराज जी दोबारा उठे तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि अब अभी तो ये कार्यक्रम करके आए हैं, ये फिर क्यों उठ गए, और फिर वो गए और वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए और उन्होंने जाके शुजात से कहा कि आपने ट्यून इतना सुंदर किया है, आपकी ट्यूनिंग इतनी दिल को छू गई कि मैं आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया, और इसलिए मैं दोबारा स्टेज पर आया। और मुझे याद है सब लोग ये बताते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, सब लोग खड़े हो गए और सबने जसराज जी के लिए ताली बजाई। तो ये जो बात हम अक्सर अपने इंटरव्यू के दौरान, इस बातचीत के दौरान कर रहे थे कि बड़े कलाकार, बड़े इंसान की छोटी छोटी बातें जो वो अनायास ही कह देते हैं, वो भी कई बार बड़ी सीख बनती है हमारे आपके जीवन में। और बस आपने हमारे लिए समय निकाला,
इतनी मजेदार बातचीत हुई, आपके बचपन की बातचीत हुई, हमने हवेली संगीत पर बातचीत की, जसराज जी पे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और विनम्र गुजारिश यही कि हमारे संगीत को तो आप अमेरिका में रह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम लोग को भी आशीर्वाद देते रहिए कि हम लोग जो छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं अपने कलाकारों को लोगों तक पहुंचाने का, उनसे मुलाकात कराने का, वो प्रयास यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। शिवेंद्र जी, आपको भी बहुत धन्यवाद और आपको बधाइयाँ कि इतना अच्छा काम आपने इतने सालों से इसको बहुत ही पेन्स टेकिंगली, तकलीफ के साथ, लगन के साथ आपने इसको सजाया है, बनाया है, तो ये रागगिरी आज लोगों को बहुत कुछ दे रहा है। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मुझे मौका आपने दिया है यहाँ आने की, सबसे मिलने की और कुछ बातें कहने की, थोड़े बहुत गाना बजाना शेयर करने की। ऐसा ही अच्छा सब कुछ बने रहे आपका, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जय हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।